भोपाल घरोंडा के कस्बे कैरवाली गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मकान के अंदर परिवार के चार सदस्य सोए हुए थे। इस हादसे में एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि गांव कैरावली में बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया और मकान गिरने से घर के अंदर सो रहे लोगों के ऊपर लोहे का गार्डर ईंटें गिर गई। गांव के लोगों ने आकर मकान के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में एक 5 साल की मासूम बच्ची आशु की मौत हो गई, जबकि परिवार के बाकी लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दुखद घटना से गांव में मातम का माहौल है। बच्ची के पिता को मालूम भी नहीं होगा कि ये बारिश उनके लिए काल बनकर आएगी और उनकी बच्ची को उनसे छीन लेगी। गांव के लोग प्रशासन और सरपंच से अपील कर रहे हैं कि इस परिवार की मदद की जाए, क्योंकि बारिश के बाद यहां घर पूरी तरह से टूट गया है, वहीं उनकी बच्ची भी उनसे दूर हो गई है। घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। मिली थी, कितने बजे हादसा हुआ? ये लगभग बरसात चली हुई थी, 7 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। 4 लोग सोए हुए थे अंदर, ठीक है, तो एकदम मकान गिर गया और इसमें एक बच्ची थी 6 साल की, वो उसके मौके पर डेथ हो गई। परिवार वालों को पता चला, जानकारी मिली तो सभी यहाँ पहुँचे। बारिश आई हुई थी, किसी को पता नहीं था, पड़ोस में एक दो को बुला के लाए, 4-5 आदमी यहाँ आए। उनकी निकाली गाटर था, एक खड़िया उठाई तो बच्ची के सिर पर ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वो उस टाइम मौके पर मौत हो गई थी। उसके साथ एक उसका बड़ा भाई था, वो घायल हो रहा था। उसकी वाइफ थी, वो भी घायल थी, और एक अंकल जी थे, वो भी घायल हो रहे थे। जब भी उनको बाहर निकाला, ठीक है, तो ये गरीब लोग थे, सरकार से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि इनका जो मकान आपने देख लिया कि कैसा इन टूटा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कोई वैसा कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं। सरकार से गुजारिश करेंगे कि उनको आर्थिक मदद दे। इसके अंदर अनाज पड़ा हुआ था, जमीन का जो भी घर घरेलू जो भी सामान था वो सारा खत्म हो चुका है, बारिश से फसल भी है। तो सरकार से ही गुजारिश है कि थोड़ा उनकी तरफ, गरीबों की तरफ देखें और उनके मकान के पे और मकान बनवाना के आर्थिक सहयोग उनका दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जतिन कुमार। सुबह क्या हादसा हुआ था भैया? ये करीबन की करीब 7 बजे से हादसा होया है। यहाँ पर बारिश हो रही थी उस टाइम, जिस टाइम हादसा होया, फिर आए हम वापस के यहाँ पे, ये बच्चे निकाले, एक लड़की की गुड़िया की मौत हो गई तुरंत ही, और जो उसके पापा थे उसकी घायल हो गया, माता भी घायल हो गई, एक लड़का उसको चोट आ रही है। तो प्रशासन से यही अपील करें कि इनकी मदद की जाए। कुछ कुछ गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, यही अपील की जाए। पूरा घर गिर गया है? हाँ, पूरा घर गिर गया, पूरा सामान बर्बाद हो गया, ए टू जेड कोई भी सामान नहीं बचा इसमें। कितने साल की बच्ची थी? बच्ची 6 साल की बच्ची थी करीब, और 10 साल का लड़का है, और उसकी माता है और उसके पिता है, उनका घायल हो रहे हैं काफ़ी। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है। जब इसके घर बढ़ गई तो उससे घर हड़के ईंट लगी, तो वो गली खड़ा होया, तो मैं इतने में सारे आ गए, इसके घर वाले इतने में सारे आ गए, फिर मैं कट दे बच्चे भी है, सब कट दे, ये बच्चे सब काट दिए। वो छोकरी इनका दबी रहेगी, माँ भी चोट लग गई फिर सी माँ, और लड़की का भी, छोरे का भी, और माँ का। बच्ची की मौत हो गई? बच्ची की मौत हो गई, बच्ची मर गई। चलिए हमने कहा था थोड़ी देर भी रहने दो ना, बच्ची ने भी फिर उठा ली पहले बस। क्या नाम आपको? मेरा कुसुम है जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.